हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस यार, आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं मोटो G84 5G और रेडमी नोट 13 प्रो 5G का। दोनों के बारे में डिटेल बताने वाले हैं, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो यार, चैनल पर फिर आया हो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिल्ड और डिजाइन की। तो मोटो G84 यहाँ पर दो मॉडल में देखो मिलता है। एक पहला वीगन लेदर के साथ आता है, प्लास्टिक के साथ आता है, काफी लाइट वेट 169 ग्राम के वेट के साथ आता है। इसके अलावा प्लास्टिक का फ्रेम है, रेड ब्लू डार्क ब्लू आपको तीन कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। वहीं रेडमी नोट 13 प्रो 5G की बात करें, ग्लास बैक के साथ ये देखने को मिलता है। फ्रेम यहां पर प्लास्टिक का है, 187 ग्राम वेट के साथ आता है। ब्लैक ब्लू व्हाइट ग्रे चार कलर ऑप्शन आपको यहां इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। वही डिस्प्ले की बात करें, मोटो G84 में 6.55 इंच का ये फुल HD प्लस वाला 10 बिट वाला POLED पैनल देखने को मिलता है। ये 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, 360 हर्ट्ज का टास्क सैंपलिंग रेट, 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, NEG की ग्लास प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है और 2400x1080p का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। वही रेडमी नोट 13 प्रो 5G की बात करें, 6.67 इंच का एक 1.5K डिस्प्ले के साथ आता है। ये 12 बिट वाला यहाँ पर फ्लैट AMOLED पैनल देखने को मिलता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 360 हर्ट्ज का टास्क सैंपलिंग रेट, 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। तो काफी ब्राइट डिस्प्ले होने वाला है, 1920 हर्ट्ज की PWM डिमिंग है। इसके अलावा यहाँ पर आपको TUV रीनलैंड की यहाँ पर प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, HDR 10+ का सपोर्ट, Dolby Vision का सपोर्ट, Gorilla Glass Victus का सपोर्ट मिलता है, 27x1220 pixel का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। तो डेफिनेटली डिस्प्ले के मामले में Redmi Note 13 Pro काफी आगे निकल जाता है। वही परफॉर्मेंस की बात करते हैं, मोटो G84 में काफी पुराना Snapdragon 695 वाला चिप से देखो मिलता है। ये Adreno 619 GPU के साथ आता है, प्रोसेसर 6 नंबर बेस्ड है, 2.2 GHz इसकी क्लॉक स्पीड है। वहीं Redmi Note 13 Pro 5G की बात करें, Snapdragon 7S Gen 2 के साथ आता है, 4 नंबर ये चिपसेट बेस्ड है, तो काफी एफिशिएंट है, 2.4 GHz की क्लॉक स्पीड है, Adreno 710 वाला GPU देखो मिलता है। तो यार डेफिनेटली काफी ह्यूज आपको परफॉर्मेंस का डिफरेंस देखने को मिलेगा। वही रैम स्टोरेज की बात करें, मोटो G54 सिर्फ एक मॉडल के साथ आता है, 12 GB रैम, 256 GB स्टोरेज, LPDDR4X की रैम, UFS 2.0 की स्टोरेज, हाइब्रिड स्लॉट मिलता है, तो एक सिम एक SD कार्ड या दो सिम लगा पाओगे। वही Redmi Note 13 Pro 5G की बात करें, दो मॉडल के साथ ये इंडिया में देखने को मिल सकता है, 8 GB 128 GB, 12 GB 256 GB, LPDDR4X की रैम, UFS 2.2 की स्टोरेज है, कोई भी SD कार्ड स्लॉट नहीं मिलता। वही कैमरे की बात करें, मोटो G84 यहां पर पीछे की तरफ डुअल कैमरा सेटअप साथ आता है, 50MP का मेन सेंसर है OIS के साथ, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 16MP का फ्रंट कैमरा है, रियर से आप 1080p 60fps, फ्रंट से आप 1080p 30fps, अल्ट्रा वाइड से भी 1080p 30fps निकाल पाओगे। वही Redmi Note 13 Pro 5G की बात करें, 200 मेगापिक्सल का यहां पर प्राइमरी सेंसर है, OIS के साथ ये HP3 वाला सेंसर है, इसके अलावा 8MP का अल्ट्रा वाइड, 16MP का यहां पर फ्रंट कैमरा देखो मिलता है, रियर से आप 4K 30fps, फ्रंट से 1080p 60fps और अल्ट्रा वाइड से 1080p 30fps निकाल पाओगे। वही बैटरी की बात करें, मोटो G84 में 5000mAh की बैटरी है, 33W का टर्बो चार्जर बॉक्स में मिलता है। वहीं Redmi Note 13 Pro 5G की बात करें, यहां पर आपको जो है वो 5100mAh की बैटरी देखो मिलती है और 67W का चार्जर बॉक्स में मिलता है। वहीं बात करते हैं अब ऑडियो की, मोटो G84 में आपको डुअल स्पीकर का सपोर्ट, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है, 3.5mm ऑडियो जैक भी मिलता है, हाई रेस ऑडियो का सपोर्ट भी है, डुअल माइक्रोफोन का भी सपोर्ट मिलता है। वहीं Redmi Note 13 Pro 5G की बात करें, डुअल स्पीकर का सपोर्ट है, डुअल माइक्रोफोन है, हाई रेस ऑडियो है, डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है, लेकिन यहां 3.5mm ऑडियो जैक नहीं मिलता। वहीं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, मोटो G84 में माई UI इनकी स्टॉक एंड्रॉइड जैसी देखने को मिलती है, एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है, सिर्फ एक साल का एंड्रॉइड और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। वहीं Redmi Note 13 Pro 5G की बात करें, MIUI 14 मिलता है, एंड्रॉइड 13 पर ये बेस्ड है, जब इंडिया में आएगा 2 साल के आपको यहां पर एंड्रॉइड और 3 साल के मेजर सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाएंगे। वही कनेक्टिविटी की बात करें, मोटो G84 में आपको डुअल 5G का सपोर्ट, 14 5G के बैंड, ब्लूटूथ का 5.1 वर्जन, NFC का सपोर्ट, Wi-Fi 5 का सपोर्ट और डुअल बैंड Wi-Fi देखने को मिलता है। वहीं Redmi Note 13 Pro 5G की बात करें, डुअल 5G का सपोर्ट है, फिलहाल इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ तो बैंड्स नहीं बता सकता, NFC का सपोर्ट, Wi-Fi 6 का सपोर्ट, डुअल बैंड Wi-Fi और ब्लूटूथ 5.2 का वर्जन देखने को मिल जाता है। बात करते हैं अब यहां पर एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो मोटो G84 में सभी प्रकार के सेंसर, GPS, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक, IP54 की रेटिंग, मोटो सिक्योर, थिंग सील सिक्योरिटी मिलती है। वही Redmi Note 13 Pro 5G की बात करें, सभी प्रकार के सेंसर, GPS, वर्चुअल रैम, फेस अनलॉक, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, एक्स एक्सिस लीनियर मोटर, IP54 की रेटिंग, IR ब्लास्टर भी देखने को मिल जाता है। बात करते हैं प्राइस की, तो मोटो G84 की करंट प्राइस जो चल रही है वो लगभग 18,000 रुपए चल रही है और इसके ऊपर कार्ड वगैरह लगाओगे तो ये आपको लगभग 17,000-16,000 के आसपास पड़ जाएगा। भाई Redmi Note 13 Pro 5G की बात करें, फिलहाल इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, चाइना में लगभग 16,000-17,000 रुपए के आसपास आया है, लेकिन इंडिया में मुझे लग रहा है ये अंडर 20,000 यहां पर इसका बेस मॉडल देखने को मिल जाता है। बात करते हैं विनर की, तो डेफिनेटली Redmi Note 13 Pro यार विनर होता है, क्योंकि यार काफी ग्लास पैक देखने को मिलता है, एक बढ़िया डिस्प्ले, एक बढ़िया परफॉर्मेंस, एक बढ़िया कैमरा और मेरे ख्याल से काफी चीजें यहाँ पर इंप्रूव्ड आपको देखने को मिलती है। तो मेरे ख्याल से Redmi Note 13 Pro ही यहाँ पर बिना रहे। वीडियो चलेगी, वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।